ਚਾਨੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਚਾਉਂਦੀ ਐ ਪਾਸੇ ਹਟ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਟੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਐ ਪਾਸੇ ਹਟ ਸੋਹਣਿਆ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप सब टाइम निकाल कर आए, बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि तीसरी फिल्म मन्ना के पहली दो को बहुत प्यार मिला। जब पहली बनाई थी तो कभी सोचा नहीं था कि दूसरी बनाएंगे, बट जब दूसरी बनाई तो डेफिनेटली सोचा था कि अब तीसरी भी बनाई है। तो इस बार तीसरी बनाई है तो हम सोच रहे हैं कि आगे 5, 6, 7, 10 सब बनाएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह तीसरी चौथी पांचवी सारी आएंगी। और मेरा अगला सवाल सोनम मैम के लिए, मूवी से थोड़ा सा हटके, हाउ इज द वेदर ट्रीटिंग यू इन दिल्ली? हॉट हॉट लाइक सोनम मैम, ओके। पर आप सबका प्यार देखकर तो दिल को ठंडक मिल रही है, सो थैंक यू सो मच। फर्स्टली सारे जने ना साडी पूरी टीम वालों दिलों धन्यवाद, तुसी आए वेट की थी, थैंक यू सो मच। एंड दिल्ली इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस, एंड जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे बहुत अपना अपना लगता है, सो एंड दैट्स बिकॉज ऑफ पीपल हियर, सो दैट्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच। Thank you everybody for coming and it is really really special that you all came today. Amazing. Do chote chote kaam main karwaunga, ek baar fir se zordaar taaliyan give bhi karwa lo Sonam Basha ke liye, zordaar taaliyan। Dusra chota sa kaam humne karna hai 29 June ko, sabne apni families ko leke jana hai aur ye pyari si family dinner movie Carry On Jatta 3 dekhni hai। Now the mic is all yours, media ke questions ready hain। Thank you so much ma'am, thank you so much sir, I sign off। Hi, here, Seema Dhawan. Ji. My question is for both of you. Kinna ko farak Dibbe ji tanu puchha ki kinna ko kya lagaya when you started for the first time Carry On Jatta with one and how Carry On puri journey ke bare thoda sa brief. Jatta 1, 2 and now. बहुत फर्क आया जी, क्योंकि जब पहली बनाई थी तो वो एज अ प्रोड्यूसर भी मेरी पहली फिल्म, तो मुझे नहीं पता था कि क्या जर्नी होगी इस फिल्म की, हमें कुछ समझ नहीं थी, तो सिर्फ एक कहानी अच्छी लगी थी तो मुझे लगा था कि यार ये फिल्म बननी चाहिए और खुद बनाते हैं, अपने पैसे लगा के जितने के बनाए थे उतने पैसों में बना ली, वो बहुत छोटी फिल्म बनी थी उस वक्त, जितने आर्टिस्ट थे फिल्म में सबकी फीस बहुत कम होती थी। तो मुझे याद है कि जब हम इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर रहे थे तो बॉम्बे में थे हम, तो कुकी पार्टी ने बोला भी था कि जितने में पहली बनी थी उतना खर्चा ट्रेलर लॉन्च पे आया है, तो इतनी जर्नी का इतना फर्क पड़ गया है। तो जब सेकंड बनी थी तो बहुत सी चीज़ें सेकंड के हिसाब से हुई, तब जितना बिजनेस हो रहा था उसके उस हिसाब से बजट लगा। तो अभी जब थर्ड बनी है तो थर्ड के टाइम हमें बहुत था कि यार काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि जेन्युइनली मैं आपको बताऊँ कि 2018 में पार्ट टू आया था, जो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो आज तक पंजाबी सिनेमा से ब्रेक ही हुआ। तो हमें था कि यार अब हम कैरी ऑन जट्टा 3 बना रहे हैं तो यही तोड़ेगी, तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें हमें अच्छी करनी पड़नी थी, बहुत मेहनत करनी पड़नी थी और डेफिनेटली फिल्म बड़ी लगनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कई बार फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म अच्छी भी होती है पर हम फिल्म को हर जगह पर पहुंचा नहीं पाते, आप लोगों तक प्रॉपर पब्लिसिटी नहीं होती या कई बार आप लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे पहली कैरी ऑन जट्टा की जब मैं बात करता हूं तो उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं, उस वक्त के हिसाब से ठीक था बट ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस था। बट जब भी मैं किसी नॉन पंजाबी बंदे को मिलता हूँ तो मोस्टली वो मुझे बोलते हैं, कई बार मेरा नाम भी नहीं पता होता उनको और वो मुझे देख के बोलते हैं कि कैरी ऑन जट्टा, इसका मतलब कैरी ऑन जट्टा मेरे से भी बड़ी है। सो कैरी ऑन जट्टा फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी होगी कि वो हम सबसे बड़ी होगी। तो फिर भी लोगों ने कहाँ देखी, कंप्यूटर पे, डीवीडी पे, हमने टीवी पे देखी आती हुई,
तो मुझे होता है कि यार इन्होंने सिनेमा में क्यों नहीं देखी, अगर सिनेमा में देखी होती तो हमारा सिनेमा बड़ा हो सकता था। आज हमने RRR अगर टीवी पे आज देख रहे हैं तो हमने सिनेमा में भी देखी है, दैट्स व्हाई वो फिल्म बड़ी हुई। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से भी कि आप दिल्ली में बैठते हो, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा सर्कल होता है, आप जो मीडिया वाले हमें हमारे बारे में छापते हो, रिपोर्ट देते हो, तो डेफिनेटली इसको ज्यादा प्रमोट करें ताकि लोग अगर अच्छी फिल्म आती है तो उसको सिनेमा में देखें। ऐसा ना हो कि सिनेमा के बाद जब फिल्म अप्रिशिएट हो जाए तो बाद में वेट करें कि आप आ जाएगी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, है ना, तो वहां पे जरूर देखें। जब प्यार मिलता है तो उसके लिए ना सिर्फ आप थैंक यू बोल सकते हैं, आप कुछ भी उसके बदले में नहीं दे सकते, इट्स अ गिफ्ट। सो आई एम जेन्युइनली सो 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 थैंकफुल जो भी दिल्ली से प्यार मिलता है, ना कि सिर्फ हमें, आई थिंक पंजाबी इंडस्ट्री को दिल्ली से बहुत प्यार मिलता है, एंड सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, सो थैंकफुल कि यहाँ पर शायद जैसे आपने कहा सब पंजाबी नहीं बोलते लेकिन फिर भी सबने वेट किया, बैठे हैं, सो उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने बहुत सारी फिल्में प्रमोट की हैं दिल्ली में, बहुत सारे इवेंट्स भी किए हैं, पर आज पहली बार मैं इतने सारे लोगों को एक साथ देख रही हूँ जो मीडिया से है, सो इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रोसेस, आई एम ट्राइंग टू लुक एट एवरी फेस, ट्राइंग टू रजिस्टर किन को पहले मिली हूँ, किन को जानती हूँ, सम फेसेस आर वेरी फेमिलियर, आई हैव स्पोकन टू देम, आई मेट देम इन द पास्ट, but really it means a lot to all of us that you guys showed up like this, it's really special, thank you so much. Mic thoda chal nahi reha hai, chal chal nahi nahi hale nahi ye bhi jab par yahan lagne jara to hai ek hani wo ta meri bhi aa jandi hai हेलो हेलो भाजी जलंधर के पहली शूट हुई थी फिल्म, मैं देखी उसे शूटिंग देखता रहा मैं, तो अज वो दौर तो निकल के अज एक बॉम्बे के पूरा टीजर लॉन्च किया, जलंधर के शूट हुई, फिर अगली फिल्म मोहाली के फिर हम बार कि औकड़ा आई कि डिफिकल्टीज आई हैं इस जर्नी के। औकड़ कोई नहीं आई है, जेनुअनली दसा मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ये फिल्म ना एक्चुअली जो असी बनाने हूँ इदा हो गया, मतलब जो थर्ड पार्ट बनाया सीरियसली, मतलब असं इन्नी एक्साइटेड सी सारे के सारे, जिन्ना कि तुम कह रहे कि बच्चे को हॉलीडे का चाह नहीं होता कि ऐतवार दिन आ गया स्कूल नहीं जाना, है ना, सो सानू इन्नी एक्साइटमेंट सी कि यार असं छुट्टियां भी देने हैं, क्योंकि एक जी पूरी पूरी टीम है, सो ये सारे के सारे फैमिली अंग होंगे और इन्ने ज़्यादा एंटरटेनिंग ने, जो आप सैट के उत्ते होंगे सारा दिन हसते खेडद का लंघ जाता है, सोनम तो कह रही है मेरा एक किलो खून बढ़ गया कहती, सो मैं नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई है, और सारे ने बहुत सपोर्ट की है, क्योंकि ये जिस तरीके की यह फिल्म है ये टीम वर्क तो बिना बन नहीं सकती, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, क्योंकि मल्टी स्टारर बहुत जने की इन एड्डी वीडी कास्ट आ, पंजाबी की सब तो वीडी कास्ट है जी इस फिल्म के, सो सारे ने बहुत सपोर्ट की है, और मैं जेनुअनली एज अ प्रोड्यूसर भी एज अ एक्टर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बड़ी प्राउड की गल है कि असि भी उत्थे खड़े होके तुहाडी पूरी शूटिंग देखी है, मैं GTP नगर दे विच जी जी, ते अज असि भी इत्थे पहुंचे तुहाडे नाल गल कर रहे हैं, ते बड़ा प्राउड फील होंदा कि तुसीं पंजाबी फिल्मां नूं इत्थे तक इस मुकाम तक पहुंचा। मैम सोनम मैम तुहानूं नैशनल क्रश दा अवार्ड सोशल मीडिया ते मिलिया है, तुसीं पहली मूवी भी भाजी दे नाल कीती, ते कोई ऐसी गल ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੈਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਦਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ,
डायरेक्टर भी बने, प्रोड्यूसर भी बन गए, राइटर भी बन गए, यू नो इन्हों का प्रोडक्शन हाउस भी खुल गया. सो मैं आज भी इन्हों को पूछती हूँ कि भी इन सारिया चीज़ा कितना करते हो, मैनू भी दसो, बिकॉज मैं बहुत टाइम का प्लान कर रही हूँ कि चलो ओके लेट मी प्रोड्यूस अ फिल्म, बट जिदा ही दो मीटिंग कर रही हूँ फिर डर जाती हूँ कि इट्स टू मच वर्क, कि भी एक्टिंग पर कि फोकस करूँगी. सो आई सीन अ लॉट ऑफ ग्रोथ, तो वह देख के बहुत खुशी में बहुत माण भी महसूस हूँ, बट आई एम सो हैप्पी कि असी जिन्ना भी काम इकट्ठे किया, चाहे मेरी पहली फिल्म सी, फिर चाहे मंजे बिस्तरे या कैरी ऑन जट्टा टू, मतलब उन्होंने फिल्मों इन्ना क प्यार मिलया. सो हूँ मेरे तो 29 जून की वेट नहीं हो रही, क्योंकि मैं चाहनी हाँ कि देखा भी आ चीज़ लोगों को कि पसंद आती है. सो मैम पुरानी फिल्म के काफ़ी डायलॉग्स वायरल हुए थे, हूँ वाला कोई डायलॉग सुना दो फिर. कोई कोई अच्छा कैरी ऑन सुन. जी 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 जस अपना ब्याह इतना सौखा नहीं होना, मैं तेरे को कह रही हूँ मेरे मामे ना गल कर ला. ओ तेरे मामे ना तो गल समझ ला कीती पई आ, विच के बचोला पौणा ओ भी मेरी निगाह च है. हां थैंक यू वाली. हेलो जी, हेलो सोना, मेरा नाम प्रियंका है, मैं रोहतक से हूँ. अच्छा आप लोगों ने अभी जैसे सोना बात कर, हेलो जी, जैसे अभी सोनम बता रहे थे कि आप प्रोड्यूसर भी बन गए, एक्टर भी बन गए, प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया, अब नेक्स्ट क्या है? मतलब एक्टर तो आप इतने शानदार हो, कोई कमी इसमें है ही नहीं, ऐसे ही क्या चीज है जो आपको लगता है कि यार ये रह गई है, ये मुझे करनी है? एक्चुअली अभी बहुत कुछ कर रहा है, मतलब अभी वो टाइम आया नहीं कि जब पूरे हिंदुस्तान के सिनेमा को एक नजर से देखा जाए, तो वी वॉन्ट कि हमारी फिल्में उस लेवल पे हो कि सब बोलें कि यार कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी बुरी है, बस ये देखो ये कौन सी जुबान में है ये मत देखो, क्योंकि सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं है. तो हम पंजाबी सिनेमा के लिए फिल्में बना रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम बड़ी फिल्में बनाएं, कि क्योंकि हिंदुस्तान एक इंडिया ऐसी कंट्री है कि जिसमें बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही है, तो जैसे बाकी कई लैंग्वेजेस की फिल्में हम देखते हैं, हमारी लैंग्वेज की फिल्म भी वो लोग देखें. सो हमारी कोशिश है, जबकि पहली कैरी ऑन जट्टा जब आई थी तो मुझे लगता है कि पंजाबी की एक वही फिल्म है जिसकी जो रीमेक होकर 4-5 लैंग्वेजेस में बाद में बनी, तो हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में ऐसे बने या हमारी फिल्में भी डब होकर वहाँ पर चले, तो इसीलिए हम इस फिल्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा नेशनल लेवल पर इसको पैन इंडिया रिलीज किया जाए. आपसे मेरा सवाल है कि इस पूरे फिल्म में इतने सारे लोग हैं, टेलीविजन से भी है और मेन इंडस्ट्री से भी है, कोई ऐसा मूवमेंट सेट पे हुआ हो जो आपको है कि ये तो ना मुझे जिंदगी भर याद रहने वाला है? बहुत सारे मोमेंट्स हैं, लेकिन हमने एक प्रैंक किया था संगा जी पे, मेरे संगा जी सेकेंड लास्ट फ्रॉम देयर, तो एक बहुत मतलब वो प्रैंक पूरा 1.5 घंटा चला, और यूजुअली ना मैं मेरी हंसी बहुत जल्दी निकल जाती है, लाइक इट्स रियली लाइक जो मेरे अंदर चल रहा होता है वो तो मेरे फेस पे आ जाता है. सो आई समटाइम्स से दिस टू माय फ्रेंड्स दैट आई एम अ रियल लाइफ बैड एक्टर, मतलब मैं वो नहीं कर सकती हूँ. हमने प्रैंक खेला, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था कि मैं ही सबसे पहले हंसूंगी और ये पता चल जाएगा और ये प्रैंक फ्लॉप हो जाएगा, बट दैट वेंट ऑन फॉर लाइक 2 आवर्स. हमने कुछ ऐसा, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वी टोल्ड हिम दैट ही वाज कटिंग हिज नेल्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, और हमने बीनू जी ने शुरुआत की और कुकी जी ने ये बोल के कि ये इल्लीगल है लंदन में और सबको डिपोर्ट किया जाएगा और आपकी फिल्म की सब्सिडी भी कैंसिल, शूटिंग भी कैंसिल, एंड उनको इतना डरा दिया, एंड वी वर मेकिंग हिम सिट इन द कार एंड टेकिंग हिम टू द एयरपोर्ट, बट जस्ट बिफोर दैट ही एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग एंड ही सेड कि यू नो मे बी आई कैन सेल माय हाउस एंड यू नो पैसे इकट्ठे करके शायद हम इसका कर देंगे, एंड देन आई सेड नो 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 मैं अपने पेमेंट कट नहीं कराऊंगी, आप सब लोग कराओ, सो आई हैड टू आल्सो एक्ट, बट दैट डे वाज सो मच फन. जिस दिन भी सेट पर पूरी टीम एक साथ होती थी मैं सिर्फ हंस रही होती थी, मेरी वजह से सबसे ज़्यादा टेक्स होते थे और उसके लिए मैं बहुत एम्बेरस भी होती थी, बट आई कुडंट हेल्प माय सेल्फ, सो एवरी डे वाज सो मेमोरेबल, बट आई क्लियरली रिमेंबर दैट डे वाज द ब्लास्ट, लाइक शूटिंग रोक के हम प्रैंक कर रहे थे. हाय रिपी, हाय सोनम, वेलकम टू दिल्ली. कैरी ऑन जट्टा होपफुली 500 करोड़ जाने वाली है डेफिनेटली, लेकिन गिप्पी आपने बोला था कि अगर
100 करोड़ जाती है तो आप सोनम को एक लग्जरी गिफ्ट देने वाले हैं, तो वो क्या होने वाला है हम जानना चाहते हैं। आप क्यों हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी चीज को हाईलाइट कर रहे हो सबके लिए? हम जानना चाहते हैं ना लग्जरी गिफ्ट क्या नहीं वो बताएंगे नहीं, अगर पहले ही बता दिया तो फिर उसका पंच खत्म हो जाएगा। फिल्म को जाने दो और उसके बाद बात करेंगे। क्या पता जैसे आपने 500 करोड़ वाली बात कर दी तो फिर तो गिफ्ट भी चेंज हो जाएंगे ना, वो उस हिसाब से चीजें हो जाएंगी। सोनम आपकी कोई डिमांड है? बट एक्चुअली मैं बताऊं कि जेन्युइनली नॉट ओनली के सोनम, मेरी पूरी टीम ने बहुत एफर्ट की है। मतलब हर चीज में मैंने जिस दिन जिसको बुलाया प्रमोशन के लिए, इतनी डेट्स सब ने निकाली फिल्म शूट करने के लिए, हमने वहाँ पे कई चीजें हमारी बाद में शूट हुई, दो तीन चीज़ें रह गई थी, लंदन पॉसिबल नहीं हो रहा था, हमने वापस आके बॉम्बे की, कभी कहीं कुछ किया क्योंकि फिल्म हमारी सबसे बड़ी फिल्म थी, हम भी चाहते नहीं थे कि कुछ भी इसमें रह जाए कि बाद में ऐसा हो गया यार ये कर लेना था, है ना। तो हमने सब कुछ करने की कोशिश की, तो उसके लिए ये पूरी की पूरी टीम ने इतनी एफर्ट की है और इसका जो भी प्लस माइनस है वो सबका ही, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं। लेकिन सोनम आप कुछ डिमांड करेंगी, कौन सा लग्जरी गिफ्ट आपको चाहिए? मुझे कल ही डांट पड़ी है कि इतने तुम चेंज कर रही हो, एक चीज डिसाइड करो ना, आई लेट देम डिसाइड, बट द बिगेस्ट रिवॉर्ड एंड गिफ्ट एन एक्टर कैन गेट इज दैट देयर वर्क्स अप्रिशिएटेड। सो आई रियली वांट कि फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लगे, और अगर वो अच्छी लगी तो बिजनेस तो अच्छा होगा ही, और फिर देन आई कैन डिमांड, है ना। Hi Dipi, hi Sonam, I am Deepika from News 18. पहले तो बहुत बहुत बधाई कि पंजाबी सिनेमा को जिस तरह से आप वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं, पैन इंडिया इस फिल्म को बना रहे हैं, उसके लिए बधाई। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का सिनेमा जो अच्छा हो उसे हम देखें, और मैं बता दूं मुझे हनीमून बहुत पसंद आई, जबकि मुझे पंजाबी नहीं आती। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने जब ये इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो आमिर खान जो बॉलीवुड के एक नाम है, कपिल शर्मा जो टीवी इंडस्ट्री का एक नाम है, जिन दोनों को आप ले आए, मुश्किल होता है इस तरह के सितारों को लाना, क्या कोई स्क्रिप्ट भी आपके दिमाग में है? क्योंकि कहानी भी प्रोड्यूसर भी आप हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है कि आप इस तरह की एक पैन इंडिया फिल्म भी बनाना चाहें जिसमें और भी सितारे जुड़े जो हिंदी इंडस्ट्री में भी हैं? नहीं अभी जनरली मैं बताऊँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरे दिमाग में कोई स्क्रिप्ट है और ना मेरे मन में कोई ऐसा है कि मैं उनको लेके फिल्म बनाऊं। जबकि आमिर भाई ने तो उस दिन 100 बार हमें बोला, मुझे बोला कि आप प्रोड्यूस करो, मैं एक्ट करूंगा और कॉमेडी बनाते हैं ऐसी कि आई वांट टू डू दिस टाइप ऑफ फिल्म। तो बट जेन्युइनली क्या है कि वो मेरे दोस्त हैं तो इतने पैसे है नहीं अभी हमारे पास कि आमिर खान की फिल्म बनाई जाए, तो इसलिए मैंने अभी मेरे मन में कोई आइडिया भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले ही जब मैंने अरदास फिल्म बनाई थी तो ही सेड दैट टू मी एट दैट टाइम कि जबी मेरे लिए अगर कोई कैमियो है छोटा तो आई विल डू इट फॉर यू, तो उसमें क्या आ गया यू कि मेरे लिए करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जब वो करें ना वो अपने लिए करें, कि मैं इतनी अच्छी चीज़ उनके पास लेके जाऊँ कि वो कहें कि हाँ यार ये तो मैं अपने लिए करूँगा, ये बहुत अच्छी है ना। तो अगर कोई वो चीज़ मेरे पास आएगी तो मैं डेफिनेटली लेके जाऊंगा। तो फिलहाल तो बस यही है कि उन्होंने हमारा ट्रेलर लॉन्च किया, कपिल भाई भी आए, सो हिज आर ब्रदर, तो उन्होंने सपोर्ट करने के लिए पहुंचे सबके सब, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मेरा अगला सवाल भी था पर वो मना कर रहे हैं तो हम बाद में बना चाहते हैं, सो थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। हाय गिफ्टी, आई एम कनक फ्रॉम केएम हिंदी न्यूज़। गिपी मेरा सवाल आपसे ये है कि कैरी ऑन जटा के हम 3 पार्ट्स देख चुके हैं, तो क्या हम नेक्स्ट टाइम कैरी ऑन जटा का 4 पार्ट देखेंगे या नहीं? 100% आप देखोगे। वैसे तो ये इसका आंसर 29 जून के बाद बनता है, बट जिस हिसाब से हमने फिल्म बनाई है, जो हमारा फीलिंग है, तो आप डेफिनेटली देखोगे क्योंकि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और जनरली उसको बहुत दिल से प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा मानना है कि क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने पार्ट 2 बनाया था, फर्स्ट फिल्म 2012 में आई थी, दूसरी 18 में आई, तो 18 के टाइम पे मैंने नॉर्मली सबको बोला कि अब हर 2 साल के बाद फिल्म आएगी, फिर भी मेरे को 5 साल लग गए ये फिल्म बनाते बनाते, क्योंकि रीज़न भी क्या है कि कॉन्टेंट स्टोरी क्या चाहिए,
और कितना हंसाएं लोगों को, क्या डालें इस फिल्म में, क्या चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं, उसको करते करते वक्त लग जाता है, तो डेफिनेटली आगे भी बनाएंगे। तो क्या हम कैरन जट्टा के फोर्थ पार्ट में सोनम भाजपा जी को देखेंगे फिर से? हाँ क्यों, इनको क्यों, मैंने मार थोड़ा नहीं इसको थर्ड में, तो ऐसे थोड़ी हमारी फिल्म कोई एक्शन थोड़ी है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, गिब्बी ने सोनम को क्यों मारा, क्या बताएंगे? नहीं बोलेंगे, ये फिल्म मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, जितने लोग आप पोस्टर में देख रहे हो, जितना हक इस फिल्म पे मेरा है, अब सब इनका सब बराबर हक है, तो दिस इज ये सबकी फिल्म है। सो जेन्युइनली मैं आपको बताऊं कि मेरे प्रोडक्शन हाउस में सबसे महंगी फिल्म बनती है, और एक ही फिल्म है जिसके रोल के लिए कोई बंदा लड़ता झगड़ता नहीं है कि यार मेरा रोल कम है, मेरा सीन कम है, इसमें तो पंचेज इसके पास आ गए, सबका जोर एक ही लगा होता है, फिल्म बेस्ट बननी चाहिए, जिसका रोल मर्जी अच्छा हो, हमें पता होता है कि ये सीन कुगीबा जी का है, तो हम सब उसकी ऐसे सपोर्ट करते हैं कि सीन पूरा कुगीबा जी का ही रहे और निकल गया, क्योंकि ऑडियंस जो पैसा खर्च के आती है वो ये नहीं देखती कि सोनम ने ऐसा है या गिप्पी ने ऐसा है, वो बाहर निकल के बोलते हैं कि फिल्म अच्छी है या फिल्म बुरी है। सो हमने अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की और पूरा टीम वर्क है। हाय सोनम, हाय गिप्पी पाजी, मैं सिद्धार्थ, और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो एंडिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए, और मुझे फिल्मों की प्रीवियस स्टोरी जानने का बहुत ज्यादा शौक है, मुझे बहुत पसंद आती है, तो ऐसे जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला कि कोई एक ऐसा लॉन्ग सीक्वेंस था जहाँ पे सोनम और गिप्पी पाजी, आप और कविता कौशिक, आप सब एक लॉन्ग सीक्वेंस दे रहे थे और आपका डीओपी बैठ के पिज्जा आ रहा था, और आप मतलब एक उसमें थे कि यार जल्दी ये शूट खत्म हो रहा है, हमें भी पिज्जा वगैरह चाहिए, सारी चीजें खानी, ये फोटो बाय द कविता कौशिक ने डाली, तो वो क्या बिहाइंड द स्टोरी थी उस चीज की? देखो एक तो मैं बोलूं कि कविता जी की चीजों पे विश्वास नहीं करना, उनका मूड होगा कि कुछ कहानी बना के डालते हैं, तो उन्होंने हो सकता है ये भी डालती हूँ, बट पता नहीं है, मतलब क्योंकि ये जो ऐसी चीजें हैं ये हमारी शूट पे रोज ही होती है, क्योंकि रीजन भी क्या है कि हमने ये फिल्म बहुत मजे में शूट की है, कोई स्ट्रेस नहीं था किसी की, है ना, तो क्या होता था कि ये जो पिज्जा खाना या ये करना सब पार्टी वाले, वो सबका फीलिंग अलग अलग था, पल्ला साहब को जो मेरे फादर बनते हैं उधर है, उनको शुगर है तो वो मीठा नहीं खा सकते, तो उनका 24 घंटे ये होता था कि वो किसी को बोलते होते थे आज केक मंगवा लो तुम लोग खा लेना, तो उनको होता था कि मैं बाद में उड़ाऊंगा, है ना, तो ये चीजें चलती रहती थी, तो पिज्जा विज्जा, हाँ कविता जी मतलब मेरा नाम लेके मत लिखना, वो बहुत खाते हैं, कविता जी इतना खाते हैं कि मैंने उनको बोला कि अभी जब पार्ट 4 बनेगा तो खाने की डील इंक्लूडेड होगी, कि आप अपना खाना लेके आओगे, वो जब मैं उनको देखता था वो खाना ही खा रहे होते थे, मतलब 24 घंटे मतलब कुछ ना कुछ उनके हाथ में बैग में रहता है खाने का। जी सुना आप लास्ट में सुना जी, जो सोनम की चीजें है ना, जो मैं सीखना चाहता हूँ, जो मैं इनसे अडॉप्ट करना चाहता हूँ, वो मेरे से हो नहीं पा रही, क्योंकि ये चीजें बहुत डिफिकल्ट है, मतलब एक तो नहीं नहीं अच्छी चीजें, बुरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बुरी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे हमेशा लगता है आप लोग जो काम कर रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों की हेल्थ सेहत इम्पोर्टेंट बहुत है, तो ये बहुत ध्यान रखती है, शी इज ऑलवेज लाइक के टाइम से सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, मतलब आज भी मैं जनरली बताऊं कि वहां से जब चले हैं तो एक घंटा पहले इस चक्कर में निकले हैं कि एक घंटा सोनम को जिम के लिए चाहिए, ठीक है, सो ये चीजें हैं जो ये जेन्युइनली मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, और मेरा मन है कि मैं ऐसी चीजें करूं कि मैं भी एवरी टाइम, तो पता नहीं क्यों जब मैं स्कूल में जाता था तो सुबह उठ के मैं कहता था कि यार काश आज स्कूल ना जाऊं, मतलब मैं बहाने ढूंढता था, तो अब मैं जेन्युइनली अच्छा, तब भी मैं स्कूल जाना चाहता था पर सुबह उठ के मेरा मन नहीं बनता था, अब मेरा जिम का वही है कि मैं सुबह उठ, मेरा जिम जाने का बहुत मन है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि काश मेरी जगह कोई और चला जाए, है ना, अब मेरी त्वचा से पता ही नहीं चलता।
बट हाँ जेनुअली ये चीजें करनी चाहिए बट वो रह जाती है क्योंकि मैं सोता भी कम हूँ। सोनम सोती है कितने घंटे? 7 से 8 घंटे मिनिमम भी है ना 7 में। मेरा मैक्सिमम है 4 to 5 तो वो बहुत फर्क है उसमें। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे जनरली मेरे पास टाइम होता भी है तो मुझे लगता है कि 4-5 घंटे से ज्यादा नींद आती नहीं है। स्ट्रेस है आपको इतना? नहीं, स्ट्रेस कोई नहीं है, स्ट्रेस कोई नहीं है, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को स्ट्रेस है या मेरे को ये है या वो है, क्योंकि ये एज ए एक्टर एज एन एक्टर प्रोड्यूसर बात करूँ तो आप इनसे पूछ सकते हो, मैंने कभी ये बात आज तक नहीं बोली कि बड़ी स्ट्रेस होगी, फिल्म महंगी है या फिल्म ऐसी है, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ जॉब। चलना फ्राइडे, हर फ्राइडे में आर्टिस्ट की किस्मत बदलती है। अगर आर्टिस्ट ये सोचने लग जाए कि ऐसा हो गया फिर तो कुछ नहीं बन पाएगा। सो रीजन क्या है, हमारी जॉब एक है जो इनको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप लोगों ने आप अपना काम पूरा किया है, अब फिल्म क्या करती है वो फिल्म की किस्मत है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो जानी दे गाने गाउंदी जानी नू चाउंदी है पासे हट सोने आवे जट्टी तुरी आउंदी है पासे हट सोने आवे।